संक्षिप्त शिव पुराण शत रुद्र संहिता। वराकल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर के नवम ऋषभ अवतार तक का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर के ब्रह्मा जी से शंकर के चित्र का प्रेम पूर्व वर्णन किया। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिवजी ने कहा था, ब्रह्मन वराकल्प के सातवें मन्वंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपोत्र हैं, वस्वत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मन्वंतर के चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्रह्मन युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर के प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी चार शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेत शिख, श्वेताश्व और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान युग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझे अविनाशी को तत्त्वता जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे और जन्म जरा और मृत्यु से रहित होकर के पर ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वस पिता में उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दुंदभी शतरूप ऋषिक तथा केतुमान नामक चार वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्त्वता जान करके मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक विशेष विपाप और पाप नाशन नामक चार पुत्र होंगे चतुरानन। उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ लेकर के व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे चार योग साधक महात्मा पुत्र होंगे ब्राह्मण। उनके नाम होंगे सुमुख दुर्मुख दुर्दम और दुर्तिक्रम। उस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। पांचवें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे, तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्राह्मण वहां भी मेरे चार योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूं, सुनो। सनक सनातन प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः छठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे चार दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा विरजा संजय तथा विजय विधे। सातवें द्वापर के आरंभ में जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जगदीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुछ शासन पर बैठ करके योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत योगीश मेघवा और सुवाहन नामक चार पुत्र होंगे।
आठवें द्वापर के आने पर मुनिवर विशिष्ट वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योगवितम, उस युग में मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिक और शालवल नाम वाले मेरे चार योगी पुत्र उत्पन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे। ब्राह्मण, नवी चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उसमें प्राशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के चार महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापते, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सन्मुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भाव सागर से उद्धार करूंगा। मेरा है ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन पर दान करूंगा। तदंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि जो मेरे ही अंश हैं उनके घर पधारेंगे। प्रजापति, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सद्रूप धारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित चित से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। फिर कृपापूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगा करके उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यों माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर के तथा उन दोनों द्वारा पूजित होकर के प्रभावशाली ऋषभ मुनि शिक्षा के अनुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, तब राजऋषि भद्रायु भी रिपुगणों को जीत करके और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेगा। मुनि, मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सतपुरुषों की गति तथा दिनों के लिए बंधु सा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। ये ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनाना चाहिए। अध्याय 4 पूर्ण।